Hello friends, good morning. This is Jivis and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So I am going to take the social study class of standard 1. So please open your book. Last class mein kya padhe the? Duties of children. So in that we have studied about the Amita and Sushil. In that you have seen that Amita, she is doing all the work which is of her, right? वो अपना खुद का काम खुद से करती थी, right? वो अपना room clean करती थी, Amita clean home, Amita cooperate her mother's also in her work. उसकी माँ की अपने जो माँ का जो काम है उसमें भी वो help करती थी, ठीक है, और अपने मदर की बात को भी मानती थी. एंड ये आप एक और देखे थे बॉय जो अमिता का भाई था सुशील, सुशील बाय वेजिटेबल, वो वेजिटेबल खरीदता था मार्केट से, वाटर डालता था प्लांटिंग प्लांट में वाटर डालता था. ही पुट फादर्स लेटर इन लेटर बॉक्स, है ना, वो अपना अपने पापा का लेटर को लेटर बॉक्स में डालता था. ही हेल्प्स मदर आल्सो टू कीप होम क्लीन, घर को साफ रखने में अपनी माँ का भी हेल्प करता था. सर हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़े थे और आपको वर्ड मीनिंग दिए थे, तो इसको रिमेम्बर करके आपको वीडियो भेजना था. तो सारे लोग प्लीज वीडियो अपना शेयर कीजिए. ओके, इन टुडेस क्लास विल डिस्कस मोर अबाउट द आवर ड्यूटी, चिल्ड्रंस ड्यूटी, राइट. तो हम लोग यहाँ देखेंगे वी कैन हेल्प आवर इल्डर इन होम वर्क इन मेनी टाइम. हम लोग अपने बड़े का बड़े लोगों का जो घर का काम है उसमें हम लोग डिफरेंट वे से बहुत तरह से हेल्प कर सकते हैं. वी शुड नॉट मेक होम डर्टी, हमें घर को गंदा नहीं रखना चाहिए. वी शुड नॉट मेक होम डर्टी, हमें घर को डर्टी नहीं रखना चाहिए, हमें घर को क्लीन रखना चाहिए. वी शुड नॉट मेक अ नॉइस इन द हॉल, हम लोग को घर में हल्ला नहीं करना चाहिए, है ना, बदमाशी ज्यादा नहीं करना चाहिए, हल्ला गुल्ला ज्यादा नहीं करना चाहिए. सो दैट आवर पेरेंट्स कैन वर्क पीसफुल्ली, अगर आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं ज्यादा करेंगे तो आपके पेरेंट्स घर के काम को पीसफुल्ली और कंसंट्रेट करके घर के काम को कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी टू वेलकम द गेस्ट, और हम लोग और क्या ड्यूटी है, हमारे गेस्ट को वेलकम करने का. हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं उनको हम लोग अच्छे से वेलकम करना चाहिए, ठीक है. उनके लिए हम लोग क्या स्नैक्स लाते हैं, टी लाते हैं. सो एंड ब्रिंग टी एंड स्नैक्स फॉर देम, हम लोग उनके लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, टी लाना चाहिए, स्नैक्स लाना चाहिए. तो हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं उनको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट, उनका अच्छा से वेलकम करना चाहिए. उनके लिए हम लोग ब्रेकफास्ट या स्नैक्स या टी ये सब लाते हैं, लाके देते हैं, राइट. वी शुड कोऑपरेट आवर पेरेंट टू क्लीन होम एंड अरेंज द गुड गुड प्रॉपरली. वी शुड कोऑपरेट आवर पेरेंट, हम लोग को अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, किसमें, टू क्लीन होम, घर को साफ करने में, एंड अरेंज द गुड गुड्स प्रॉपरली, और सामान को लाने में भी अरेंज करने में, मतलब एक जगह से सही जगह पर रखने में हमें अपने पेरेंट्स से हेल्प करना चाहिए. प्रॉपरली मतलब जो भी चीज जहाँ पर रहता है उसे वहां पर रख देना चाहिए. तो जो भी सामान है उसको अपने प्रॉपर वे से अरेंज करना चाहिए, राइट. वी शुड कोऑपरेट आवर पेरेंट्स टू क्लीन होम, हम लोग को अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए होम को क्लीन रखने में, एंड अरेंज द गुड्स प्रॉपरली, और सामान को प्रॉपरली रखने में, अरेंज करने में हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, हमें प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है. ऑल गेस्ट अपेयर हैप्पी इन क्लीन, ऑल गेस्ट अपेयर हैप्पी इन क्लीन एंड मैनेज होम एंड दे प्रेज द मेंबर ऑफ होम, जो भी गेस्ट आते हैं उनको वो हैप्पी होने चाहिए, किससे, इन क्लीन एंड मैनेज होम, अगर आपका घर क्लीन है मैनेज है तो वो क्या होंगे, खुश हो जाएंगे ना कि हाँ आप लोग अपने
पेरेंट्स का हेल्प करते हैं सब कुछ अरेंज करने में और क्लीन रखने में, राइट। सो ऑल गेस्ट अपीयर हैप्पी, इन लोग खुश हो जाएंगे अगर हैप्पी इन क्लीन एंड मैनेज हो, अगर घर साफ सुथरा हो और मैनेज हो प्रॉपरली, तो क्या होंगे आपके गेस्ट खुश हो जाएंगे। दे प्रेज द मेंबर ऑफ होम, और वो प्रसन्न होंगे, ठीक है, और घर के लोगों से, ठीक है, आपको ये भी बोलेंगे कि हाँ यू हैव डन गुड जॉब, आप लोग बहुत अच्छे से घर को ध्यान रखते हैं, तो आपको प्रेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। दे प्रेज द मेंबर्स ऑफ होम, उन लोग घर के लोगों को प्रशंसा करेंगे कि हाँ उन लोग बहुत अच्छे से रखते हैं घर को, क्लीन रखते हैं, ठीक है, सब सामान मैनेज रहता है, जो प्रॉपर जगह पे है वही पे रहता है, तो उन लोग खुश होंगे और उन लोग प्रेज करेंगे। वी शुड कोऑपरेट पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ एनी सिक मेंबर ऑफ होम, हम लोग को अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए टू टेक केयर ऑफ एनी सिक मेंबर, घर में कोई भी बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स उनका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, तो हमें भी उनका मदद करना चाहिए उनके देखभाल में, है ना। अगर आपके कोई आपके भाई बहन या किसी का भी तबीयत खराब है तो आपके पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं ना, उनके लिए उनको सेवा करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि उनको अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए उनको ध्यान रखने में। तो कोई भी आपके घर में कोई भी सिख है, सिख मीन कोई भी बीमार है, तो उनका हेल्प करना चाहिए कि वो उनको टेक केयर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सिर्फ ड्यूटी पेरेंट्स का नहीं है कि वो टेक केयर करे, इवन आपका भी ड्यूटी होता है कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करें कि किसी भी सिख मेंबर को जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। उनके उनको आप लोग का भी जॉब होता है, आप लोग का भी कर्तव्य होता है सिख की टेक केयर करने का, है ना। इल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स शुड टेक केयर ऑफ देयर यंगर, अगर आप बड़े हैं आपसे जो छोटे हैं उनका भी आपको टेक केयर करना होता है, उनका भी ध्यान आपको रखना होता है। तो जितने भी इल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने से छोटे को उनका टेक केयर करें। दे शुड हेल्प देम इन देयर वर्क एंड स्टडीज, और उनका क्या ड्यूटीज है कि दे शुड हेल्प, उनका अपने जो यंगर है अपने से यंगर ब्रदर सिस्टर है उनका हेल्प करें, किसमें, उनके काम में, उनके स्टडीज में उनको हेल्प करना चाहिए, स्टडी कर रहे हैं किसी गलत पढ़ रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनका हेल्प करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, है ना। तो दिस शुड हेल्प देम इन देयर वर्क, इन देयर वर्क एंड स्टडीज, और स्टडीज में और उनके वर्क में उनका हेल्प करना चाहिए, किनको, इल्डर ब्रदर और सिस्टर को, अपने से यंगर ब्रदर और सिस्टर का। वी शुड इंटरटेन देम बाय प्लेइंग विद देम, और हम लोग को उनके साथ इंटरटेन करना चाहिए, कैसे हम लोग इंटरटेन करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ हम लोग खेलेंगे भी, तो उन लोग भी इंटरटेन होंगे, ठीक है, आपसे फ्रेंडली होंगे। द होम इज ऑफ ऑल एंड ऑल शुड कोऑपरेट फॉर हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, होम क्या है, सबका है ना, सबका इज ऑफ ऑल, एंड हम सबका क्या कर्तव्य होता है कि हम लोग ऑल शुड कोऑपरेट फॉर हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, हम सभी को मिल के अपने फैमिली का हैप्पीनेस, अपने फैमिली की खुशी के लिए हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, हम लोग को उन लोग को टेक केयर करते हैं, उन लोग को हेल्प करते हैं उनके वर्क में, इससे क्या होता है हम लोग अपने फैमिली को कोऑपरेट कर रहे हैं किसमें, उनके हैप्पीनेस में, ठीक है, उनके खुशी होगा अगर आप कुछ भी उनका हेल्प करते हैं उनसे उनको खुशी मिलता है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, तो क्योंकि हम सबका होम है ना, सिर्फ आपका होम नहीं है या आपके पेरेंट्स का नहीं, सबका होम है, तो द होम इज ऑफ ऑल, सबका ये होम है, एंड ऑल शुड कोऑपरेट फॉर हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, और सभी को कोऑपरेट करना चाहिए फैमिली का मेंबर्स को, राइट, फॉर देयर हैप्पीनेस, उनके हैप्पीनेस के लिए। इन विच फैमिली द चिल्ड्रन आर गुड द फैमिली इज ऑलवेज हैप्पी, किसी भी फैमिली में अगर चिल्ड्रन गुड है, अच्छे बच्चे हैं, तो उनका फैमिली भी क्या होता है, हमेशा खुश होता है,
इन विच फैमिली द चिल्ड्रन आर गुड, इन विच फैमिली, किसी भी फैमिली में अगर चिल्ड्रन क्या है, गुड है, अच्छे हैं, गुड बॉय है, गुड गर्ल्स है, तो उनके फैमिली भी हमेशा खुश होते हैं. फैमिली इज ऑलवेज हैप्पी, उनके फैमिली हमेशा हैप्पी रहते हैं. तो एवरी वन वॉन्ट हैप्पी फैमिली, राइट? तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे अपने फैमिली मेंबर को, तो क्या होंगे, उन लोग हैप्पी रहेंगे. ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को समझ गए हैं. लास्ट क्लास में मैं इसमें अमिता एंड सुशील के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, हम लोग को उनके वर्क को शेयर करना चाहिए, जैसे अमिता और सुशील शेयर करते हैं, ठीक है. इसमें फिर ये भी बताएं कि हम लोग को अपने इल्डर्स हेल्प करना चाहिए, ठीक है, आप उनके वर्क में, उनके घर के कामों में हमें अपने से इल्डर्स को करना चाहिए हेल्प, या फिर अपने से छोटे हैं उनके भी वर्क में या उनके स्टडीज में आपको हेल्प करना चाहिए. कोई भी गेस्ट घर में आते हैं तो उनको हम लोग को अच्छा से रिस्पेक्ट देना चाहिए, और अगर हम लोग घर क्लीन रखेंगे या मैनेज रहेगा हमारे घर, तो उन लोग भी खुश हो जाएंगे, एंड दे विल प्रेज द मेंबर ऑफ होम, उन लोग घर की प्रशंसा करेंगे, घर के मेंबर की प्रशंसा करेंगे. ओके, सो अगर कोई पेशेंट है, कोई भी सिख है घर में, तो उनका आपको भी टेक केयर करना है, है ना. तो ये सब क्या है, आपका ड्यूटीज है, चिल्ड्रंस ड्यूटीज. वर्ड मीनिंग दिए थे, इसको रिमेम्बर करना था, इसको रिमेम्बर करके आपको वीडियो शेयर करना था. अगर आप नहीं रिमेम्बर किए हैं तो अभी भी है, अभी भी आप रिमेम्बर कर सकते हैं, इसको रिमेम्बर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है. तो होमवर्क में रीड चैप्टर 3 एंड रिमेम्बर वर्ड मीनिंग. ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. ओके, सो होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास एंड लाइक द वीडियो. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट टाइम कीप वॉशिंग योर हैंड, स्टे सेफ एंड स्टे इन होम. बाय बाय.